गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे इज थर्सडे, सो लेसन 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड द लेसन इन 2-3 डेज। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रन? SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन वी विल गो फॉर। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी हैव टू रीड, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, elimination reaction and reaction with metals. So today I'll tell you about elimination reaction. When a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of KOH, then a hydrogen atom, kaun sa atom? One hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from alpha carbon is eliminated. Beta hydrogen atom is involved in elimination, so this type of reaction is known as beta elimination reaction. अभी example से तुमको ज्यादा समझ में आएगा क्या alpha carbon क्या beta carbon. You see, this is, what is this compound? CH3CH2Cl. What is this compound? Chloroethane, right? प्लस KOH, विच टाइप ऑफ KOH? इथेनॉलिक KOH, यानी KOH डिजॉल्व इन इथेनॉल, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, द हैलोजन कंटेनिंग कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन, सो हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, एंड द नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, सो इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच दे आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन. So what happens? What I said you, a hydrogen atom from beta carbon. तो beta carbon कौन सा है ये? तो चलो एक hydrogen atom को यहां से हटाते हैं, right? And a halogen atom from alpha carbon. दोनों को हटा दिया यहां से. So what compound will be formed now? अब क्या बचा अपने पास? CH2. So this, what compound will form here? CH2 double bond CH2. Correct? CH2 double bond CH2, why? Because H and Cl both are now eliminated. So what they will form now? Plus K will join with Cl, so KCl plus H with OH and H, they will form H2O. So this compound is ethene, you know, this is ethene. Ethene plus KCl plus H2O. As the reaction involves the बीटा हाइड्रोजन एटम, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन हटा, सो दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, करेक्ट? नेक्स्ट इज, एक रूल आएगा दैट इज नोन एज सेजेफ रूल. ओके, वन साइंटिस्ट वॉज देयर, हिज नेम वॉज एलेक्जेंडर सेजेफ, इसको जेट सेफ भी बोलते हैं कोई लोग, जेट सेफ. In dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that the alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. Meaning क्या हुआ? What is dehydrohalogenation reaction children? एक में से hydrogen हटा और एक में से halogen हटा, तो उसको कहते हैं dehydrohalogenation reaction. बट अगर एक से ज्यादा अगर अल्फा कार्बन बीटा कार्बन हो, लाइक यू सी हियर, दिस इज विच कंपाउंड इज दिस? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन यानी पेंटेन, रूटवर्ड विल बी पेंट, सो 2-bromopentane, विच कंपाउंड इज दिस? 2-bromo, कैन यू सी चिल्ड्रन व्हाट आई एम राइटिंग? 2-bromopentane. फिर ये रिएक्ट किया किसके साथ? इथेनॉलिक KOH के साथ, ठीक है? तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक KOH, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. लेट मी शो यू, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. वन कंपाउंड, वन अगेन, वन हाइड्रोजन एंड वन ब्रोमाइन विल बी एलिमिनेटेड, सो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. दिस कंपाउंड इज 1, 2, 3, 4, 5, पेंट 1 इन चिल्ड्रन, this is pent 1 in, and second situation can occur where it can form pent 2 in,
सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड. सो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके पास, यू सी हियर, दिस इज अल्फा कार्बन, तो इसके पास दोनों साइड बीटा कार्बन है. तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पेंट वन इन एंड पेंट टू इन. सो वन इज हैविंग, वन इज नोन एज मेजर प्रोडक्ट एंड वन इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट. दिस इज 19% ओनली एंड दिस इज 81% ओनली. ठीक है, व्हाई इट हैपेंस, यू सी हियर चिल्ड्रन. कहते हैं कि डबल बॉन्ड के पास जिसमें अल्काइल ग्रुप कम हो, दैट इज माइनर प्रोडक्ट, यानी लेस अमाउंट में. सो इधर ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज देयर एंड दिस साइड टू अल्काइल ग्रुप्स आर देयर, सो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आया? मोर देन वन अल्फा बीटा हाइड्रोजन आर देयर. ये तो अल्फा, खुद अल्फा है एंड दिस इज बीटा, दिस इज बीटा. सो इन दैट केस टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, पेंट वन इन एंड पेंट टू इन, लेकिन मेजर प्रोडक्ट विल बी पेंट टू इन. ओके, दिस रूल इज नोन एज जेटसेव रूल एंड इट इज गिवन बाय अलेक्जेंडर सेजेव. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल सी रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं? सो रिएक्शन विद मेटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, याद रखना है. इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स वर डिस्कवर्ड बाय ग्रिगनार्ड, दैट इज विक्टर ग्रिगनार्ड इन 1900, एंड उसने एक कंपाउंड दिया दैट इज नोन एज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX. देखा है, RMGX. आर मीन्स एल्काइल ग्रुप, एमजी तो एमजी मैग्नीशियम है, एक्स इज हेलोजन, सो दिस इज RMGX. दिस इज नोन एज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. यू सी हियर RX, लेट मी राइट विद ब्लू पेन. RX, ये क्या हुआ? RX हेलो एल्केन प्लस MG, MG यानी मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर वॉट इट विल गिव? RMGX. दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. ग्रिगनार्ड रिएजेंट. अपनी बुक में ये दो रिएक्शंस नहीं दे रखे, सो प्लीज गो थ्रू द रिएक्शंस, लर्न द रिएक्शंस, बिकॉज इन बोर्ड इट विल बी आस्क्ड. सो व्हेन दिस RMGX, लाइक इफ आई शो यू वन एग्जांपल, CH3CH2Cl, ये कौन सा कंपाउंड है? क्लोरोइथेन. RX हो गया, RX प्लस MG इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ओके, so what it will give? CH3CH2 Mg. What is our X now? Cl. ठीक है, this is our Grignard reagent. Now this Grignard reagent, when it is treated with aqueous HCl, तो what will happen? HCl में Cl है ना बेटा, तो MgCl2 अलग हो जाएगा. दिख रहा है? Mg एक Cl, दो Cl, सो MgCl2 विल बी रिमूव्ड. तो जब रिमूव करते हैं रिएक्शन से, तो यू नो माइनस साइन से शो करते हैं, MgCl2 विल बी रिमूव्ड. बचा क्या अपने पास? CH3CH2 और ये वाला H, सो इट विल फॉर्म इथेन, CH3CH3. दिस इज अवर इथेन. You understood? So haloalkane when reacts with magnesium in presence of dry ether, it forms Grignard reagent, that is RMGCl या RMGX. When this RMGX Grignard reagent is treated with aqueous HCl, तो one Cl and one Cl, MgCl2 will be removed and जितने कार्बन है उतने नंबर का एल्केन बन जाएगा, दैट इज CH3CH3. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज द रिएक्शन, इट इज नॉट गिवन. वन मोर रिएक्शन इज देयर दैट आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स एंड यू हैव टू कॉपी इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ वी विल कम फॉर द ग्रिगनार्ड रिएक्शन. वी अंडरस्टूड, नाउ वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन पहले भी हमने पढ़ा हुआ है,
If it is in this form, 2RX, correct, plus 2Na, sodium is involved in Wood's reaction. So, in presence of again dry ether, it will form RR. कहाँ से RR आया? 2R है ना? तो RR बचा क्या? 2X and 2Na, so plus 2NaX. X मतलब हेलोजन, ठीक है? So, what is written here? क्या description क्या करेंगे? Alkanes having double the number of carbon atoms. Alkanes having double the number of carbon atoms are formed. ठीक है? क्यों कैसे बना? Because यहाँ पे 2RX है. By the reaction of haloalkane with sodium metal in dry ether. When two molecules of haloalkane react with two sodium atom, then or two sodium molecule, they in presence of dry ether, they will form double the number of alkane. ठीक है? Let me show you with example. 2CH3Cl plus 2Na. Dry ether. ये dry ether है बेटा. Dry ether. What will be there? क्या दिख रहा है आपने को? दो कार्बन दिख रहे हैं ना? तो दो कार्बन यानी क्या बनेगा अपने पास? Ethane. So here directly I will form ethane CH3CH3. You understood? यहां जितना कार्बन उसका डबल वाला यहां एल्केन बनेगा. Plus 2NaCl. 2Na, 2Cl, 2NaCl. Next way I will show you. Like if I write here CH3CH2Cl. Okay? 2 यहां लगा दो. Plus 2Na. In presence of dry ether. What will be formed? कितने कार्बन दिख रहे हैं इधर? 1, 2. So how many? What type of alkane will be formed? 2 का डबल क्या होता है? Butane. 4. So I will write here CH3, CH2, CH2, CH3. This is butane plus 2NaCl. कैसा butane है ये? Normal butane. Can you see children what I am writing here? Normal butane. And what was here? Ethane. Correct. So normal butane will be formed. This is about Wood's reaction. Tomorrow we will see nucleophilic substitution reaction of haloalkane and haloarene.